वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज रिवीजन की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले पॉलीमर्स के बारे में, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। और लास्ट टाइम मैंने एक बार ये टॉपिक कराया था बट उसमें वॉइस क्लियर नहीं थी और आप लोग के कमेंट्स भी आए थे कि मैम इसको दोबारा करवा दीजिए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक फिर से कंप्लीट कर दिया जाए। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलेगी, इसके साथ में रात को 9 बजे मैं प्रैक्टिस भी करवाती हूँ क्वेश्चंस की। अब 1 महीने का जो समय बचा है आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। और इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो बचे हुए दिनों में आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर कर देगा। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, उनके माध्यम से आप अपने सब्जेक्ट को समझेंगे और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस के, नए क्वेश्चंस की जो आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हों और ठीक वैसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हों। इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, उससे भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बहुलक या पॉलीमर्स होते क्या हैं। तो आपने हर जगह यही डिफिनेशन सुनी होगी कि बहुत, जैसे आपने गले में माला पहने हुई देखी मोतियों की माला, तो एक एक करके कई सारे मोती के माला एक धागे में पिरोए होते हैं और एक माला कहलाते हैं वो मोती मिलकर के। इसी प्रकार बहुलक भी है कि छोटे छोटे जो मोनोमर होते हैं, एकलक होते हैं, मिलकर के एक पॉलीमर बनाते हैं, एक चेन बना लेते हैं। ऐसे आपने देखा होगा इनकी चेन होती है, ये क्या होंगे, ये पॉलीमर्स होंगे। ठीक है, तो एक प्रक्रम जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से संयोग करके उच्च भार का एक वृहत अणु अर्थात लार्ज मॉलिक्यूल बना लेते हैं उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। एक अणु का दूसरे अणु से जुड़ करके, ऐसे ही बहुत सारे जब अणु जुड़ेंगे तो एक उच्च अणु भार वाला वृहत अणु बनेगा, लार्ज मॉलिक्यूल। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये पॉलीमराइजेशन है। और इस प्रक्रम के फलस्वरूप जो उच्च भार वाला, उच्च अणु भार वाला जो यौगिक बन गया है, अब उसको क्या कहेंगे, वो पॉलीमर कहलाएगा। जिन सरल अणुओं के संयोजन से बहुलक बनता है वो कहते हैं मोनोमर्स। तो बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, और ये मोनोमर्स जब आपस में जुड़ रहे हैं इस प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं, ये है पॉलीमराइजेशन। और जो अब ये बनके तैयार हुआ है ये क्या है, ये है पॉलीमर। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आपस में जुड़े होते हैं, स्पेस नहीं होता है। तो ये आपस में जब जुड़े हैं, जुड़ने से एक उच्च अणु भार वाला यौगिक बन गया और यही क्या कहलाता है, एक प्रकार का जो पॉलीमर है। अब हम लोग समझेंगे कौन कौन से पॉलीमर हैं जो इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए और उन पॉलीमर का मोनोमर क्या है और यूज़ किस में करते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलीथीन के बारे में। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, तो इसका मोनोमर होता है एथिलीन। इसका यूज़ किस में करते हैं, अब इसका यूज़ भी बताने की ज़रूरत तो मुझे नहीं है लेकिन लिखा है तो आप देख लीजिए, खिलौने हो गए, पैकिंग के सामान हो गए और काफ़ी चीज़ों में आप पॉलीथीन का यूज़ करते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड है अगला पॉलीमर, पीवीसी बोलते हैं और इसका जो मोनोमर है वो है विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड बहुत सारे मिलेंगे तब क्या बनेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जैसे कि रेनकोट में इसका यूज़ करते हैं, हॉज पाइप में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर है पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन, PTFE, या फिर इसे टेफ्लॉन भी बोलते हैं। तो टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है, टेट्राफ्लोरोएथीन है, टेट्राफ्लोरोएथीन है। और ये किस में यूज़ होगा, तो जो चिपकने वाले, जो ना चिपकने नॉन स्टिक वाले जो बर्तन होते हैं उसमें इसका यूज़ करते हैं और गैस्केट बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बेकेलाइट, तो बेकेलाइट किससे बनेगा इसके मोनोमर, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल को मिलाकर भी। ठीक है, बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे, इन सभी के सृजन में इसका उपयोग होता है बेकेलाइट। आपने कुकर पैन वगैरह में देखा है ना, जो हत्था पकड़ने को होता है उसमें ब्लैक कलर का लगा होता है, वो बेकेलाइट का बना होता है। फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल इसके मोनोमर है। पॉलीएथिलीन टर्थैलेट, ये पेट कहलाता है, इसको पेट बोलते हैं, PET। तो इसका मोनोमर क्या है, टर्थैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल है। ठीक है, बोतल डिब्बे इनके निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए, आपसे ये जरूरी नहीं मोनोमर ही पूछ लिया, ये ही पूछ सकता है इसमें कौन सा इनका यूज़ है, तो प्रश्न कैसे भी आ सकता है स्टेटमेंट में या MCQs फॉर्म में। नायलॉन देखते हैं, नायलॉन 66 इसका जो मोनोमर है वो एडिपिकम और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। इस ब्रुस के कड़े जो बाल होते हैं वो इसी से बनते हैं, संश्लेषित रेसे बनते हैं, पैरासूट बनाने में इसका यूज़ होता है, बेरिंग में धातु के स्थान पर प्रयोग करते हैं।
फिर आता है नायलॉन 6 या पर्लॉन बोलते हैं। नायलॉन 66 अलग है, नायलॉन 6 अलग है, ठीक है। इसको पर्लॉन भी बोलते हैं। ये कैप्रोलेक्टम इसका मोनोमर है। रेसे, प्लास्टिक टायर, कार्ड तथा रस्सी बनाने में इसका यूज होता है। टेरिलीन कई बार सुना होगा, ये एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थैलिक एसिड के मिलने से बनता है। धोए जा सकने वाले कपड़े, टायर कार्ड, सेफ्टी बेल्ट, टेंट, इन सबको बनाने में टेरिलीन का यूज करते हैं। केवलार क्या है? तो ये टर्थैलिक एसिड प्लस वन और 4-diamine बेंजीन इसके मोनोमर हैं। गोली रोधक परिधान बनाने में, बुलेट प्रूफ जो कपड़े होते हैं उनको बनाने में केवलार का यूज़ किया जाता है। इसका मोनोमर फिर से देख लीजिए, टेरिथैलिक एसिड प्लस वन, 4-diamine बेंजीन। नेक्स्ट है लेक्सेन या पॉलीकार्बोनेट। तो डाईएथिल कार्बोनेट प्लस बिस्फिनॉल ए, ये इसका मोनोमर है। और जो बुलेट प्रूफ विंडोज होती हैं, खिड़की होती है ना, गोली रोधक, सेफ्टी हेलमेट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है टैक्सोल। तो पैसिफिक यू के वृक्ष की छाल से निकाला जाता है और ये कैंसर रोधी पदार्थ होता है। टैक्सोल याद रखिएगा, एक कैंसर रोधी पदार्थ है। और ये कैसे प्राकृतिक है? क्यों? क्योंकि वृक्ष की छाल से निकाला जा रहा है। बाकी सारे आप देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ऐसे भी पूछा जाता है कि प्राकृतिक कौन सा है। तो प्राकृतिक रबर की बात करते हैं, जो कि आइसोप्रीन का बहुलक होता है। इसका मोनोमर क्या होगा प्राकृतिक रबर का? आइसोप्रीन है। और इसको गंधक के साथ गर्म करने पर कठोर टिकाऊ रबर प्राप्त होता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो वल्कनीकरण कहते हैं। इस रबर का उपयोग करते हैं टायर, चप्पल इनके निर्माण में। टेफ्लॉन का पृष्ठ जो होता है बहुत चिकना होता है, उससे कोई वस्तु चिपकती नहीं है। और इस गुण के कारण कुकिंग के बर्तनों में टेफ्लॉन का लेप कर दिया जाता है। नेक्स्ट है रेयॉन। तो रेयॉन, कॉटन, सन, जूट, लिनन, ये सब किसके बने होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं। जबकि बात करें नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ये गैर सेलुलोजिक रेसे के उदाहरण है। प्रश्न यही बन सकता है कि नायलॉन, पॉलिएस्टर सेलुलोजिक रेसे के उदाहरण नहीं है, या फिर दिया जा सकता है ये सेलुलोज के बने होते हैं और रेयॉन, कॉटन, सन, जूट, लिनन ये सेलुलोजिक रेसे नहीं है। अब आपको पहचान होगा कौन से कथन सही है, दोनों गलत हो जाएंगे। तभी आपको पता होना चाहिए कौन से सेलुलोज के बने हैं, कौन से नहीं बने हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पॉली पैराफेनिलीन टेरेप्थेलोमाइड या पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग होता है। एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है। इसके ब्रांड का नाम क्या है? इसे केवलार बोलते हैं। बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का प्रयोग होता है। जैव निम्नीकृत बहुलक क्या होते हैं? वे बहुलक होते हैं, वे पॉलीमर्स होते हैं जिनका विखंडन कैसे होता है? जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा, समय के साथ प्राकृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से हो जाता है। सेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन ये सारे जैव निम्नीकृत बहुलक होते हैं। जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किसमें करते हैं? तो बर्तनों को चमकाने के लिए करते हैं। वस्तुओं को चमकीला बनाने हेतु जो इस्तेमाल होने वाले अन्य ऑक्साइड हैं, इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड है और सोडियम ऑक्साइड है। टेफ्लॉन की बात करें तो रासायनिक रूप से निष्क्रिय और ऊष्मा प्रतिरोधी ये बहुलक है। इसका गलनांक कितना होता है? 330 डिग्री सेंटीग्रेड। टेफ्लॉन पर सांद्र नाइट्रिकम, सल्फ्यूरिकम, हाइड्रोक्लोरिकम, एक्वारेजिया सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन आदि का उच्च ताप पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टेफ्लॉन का उपयोग करते हैं सांद्र अम्लों और दाहक द्रव्यों के भरने के लिए, जो केन होती हैं उनको बनाने में, और ऊष्मा व रासायनिक पदार्थों के प्रति स्थायी वस्तु जैसे कि गैस्केट्स हो गए, सील आदि बनाने में करते हैं। इनका उपयोग इंसुलेटिंग एजेंट के रूप में, इंसुलेटिंग पदार्थ के रूप में भी करते हैं। जलरोधी पर्दे हो गए, अन्य वाटर प्रूफ वस्तु जैसे चप्पल, खिलौने, डिब्बे, बाल्टी, इन सब के बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। और नियोप्रीन की बात करें तो पॉलीक्लोरोप्रीन बोलते हैं। नियोप्रीन जो होता है क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक होता है। एक प्रकार का कृत्रिम रबर है और इसका उपयोग करते हैं पाइप या बेल्ट बनाने में, पाइप बेल्ट जो हो गई। अब बात करते हैं रेशम। तो रेशम क्या है? प्राकृतिक रूप से बना हुआ फाइबर है। तो रेशम क्या है? एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्रोटीन फाइबर जो कीट के लार्वा से उनके कोकून के निर्माण के लिए उत्पन्न होता है। और इस रेशे का उपयोग किसमें करते हैं? तो रेशमी कपड़े के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है। तो रेशम अगर प्रोटीन है तो ये कई अमीनो एसिड से मिलकर के बनेगा। तो अमीनो एसिड का एक ये पॉलीपेप्टाइड होता है। रेशम फाइबर के सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन फाइब्रिनोजन और सेरिसिन है। फाइब्रोइन और अघुलनशील प्रोटीन होती है और यह रेशम कीट के कैटरपिलर लार्वा द्वारा स्रावित होता है, लेकिन कोकून से प्राप्त होता है। सेरीकल्चर क्या है? कई बार पूछा गया। तो सेरीकल्चर रेशम फाइबर के व्यावसायिक उत्पादन के लिए जो रेशम के कीड़ों की खेती का विज्ञान है उसे कहते हैं। इस प्रक्रिया के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जो रेशम कीट है उसका नाम है बॉम्बेक्स मोरी। रेशम प्रत्येक कोकून में लगभग 500 से 900 मीटर की सामान्य लंबाई का एक सतत धागा होता है। कितना है देखिए, 500 से 900 मीटर।
पौधों और जानवरों जैसे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रेशों को क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेशे कहते हैं, जैसे कि कपास है, रेशम है, ऊन, जूट और भांग। और इसी में हम लोग प्राकृतिक रेशे की ही बात करें जो कि रेशम है। प्राकृतिक और जो कृत्रिम फाइबर है वो वैसे फाइबर हो जाएंगे जो सीधे किसी जीवित स्रोत से प्राप्त नहीं होते, वो कृत्रिम फाइबर कहलाते हैं, जैसे रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक और एरामिड। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? फाइबर्स के बारे में, तंतुओं के बारे में। तो तंतु कितने प्रकार के हो गए? दो, एक तो कृत्रिम फाइबर हो गए, मतलब कि आर्टिफिशियल फाइबर हो गए, मैनमेड होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, जैसे कि रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, कैरामिड, ये सारे हो गए। और प्राकृतिक कैसे हो गए? जैसे कि किसी हम जानवर से या कोई प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? नेचुरल फाइबर्स। कपास है, रेशम, ऊन, जूट, भांग, ये सारे क्या हैं? नेचुरल फाइबर्स हैं। नाइट्रोजन भी एक तरह का प्राकृतिक रेशम का घटक होता है, ठीक है। तो फाइबर्स में भी याद रखिएगा, अब हमें ये जानना है कि रेशम कितने प्रकार का होता है। तो अगर गैर सहतूत रेशम की बात करें ना, तो इनके भी कई प्रकार हैं। टसर रेशम, एरी रेशम, मूगा, कोवन रेशम, स्पाइडर, अनाफे रेशम, मसल रेशम, फगारा रेशम, ये सब पूछा जाता है गैर सहतूती वाले। तो संश्लेषित रेशे क्या हैं? प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं, बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जबकि जो प्राकृतिक रेशे हैं पौधे और पशुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रोल रसायनों के रासायनिक जो प्रक्रमण होते हैं, मतलब ये केमिकल जो प्रोसेस होती है उनके द्वारा प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़े बनाने में या कपड़ों के बुनने में भी प्रयोग किया जाता है। संश्लेषित रेशों का उपयोग करते हैं घरेलू वस्तुओं में, जैसे कि रस्से हैं, बाल्टियां हैं, फर्नीचर हैं, पात्र हैं, इनके बनाने में वायुयान, जलयान, अंतरिक्ष यान, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोगों में भी इनका उपयोग होता है। संश्लेषित रेशों के बृहत निर्माण हेतु उपयोग में लाए जाने वाले रसायन हैं उनके प्रकार के आधार पर इन्हें रेयन कहते हैं, नायलॉन कहते हैं, पॉलिएस्टर कहते हैं, एक्रेलिक बोला जाता है। विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अवचूषण क्षमता, दहन प्रकृति, मूल्य, चिर स्थायित्व आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते, सबका एक जैसा नहीं होता। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, चाहे घर हो बाहर। आप देखते हैं सब्जी लाना है, बाहर से कोई पैकिंग का सामान ला रहे हैं, आप सब कुछ एक पॉलीथीन में ही आपको मिल जाता है। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है, क्योंकि ये खत्म नहीं होते, अपघटित नहीं होते, जलाने पर विषैली गैस भी उत्पन्न करते हैं, भूमि पर डाल देने से अपभ्रष्ट होने में कई वर्ष लगते हैं, ऐसा इनकी जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति के कारण होता है। नेक्स्ट है लिनन। तो लिनन क्या है? एक तरह का कपड़ा है जो सन के पौधे के तनों के रेशे से बना होता है। सन के पौधे के डंठल के अंदर उगने वाले सेलुलोज फाइबर का उपयोग करके लिनन के कपड़े बनाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। लिनन आप देखते हैं इनके कपड़े काफी महंगे भी आते हैं, क्योंकि इनकी प्रोसेस जो है बनाने में वो थोड़ा जटिल होती है। तो वो आप प्राकृतिक रेशों वाले जितने भी प्रोडक्ट देखेंगे वो थोड़ा महंगे होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? वो पर्यावरण के लिए हितैषी होते हैं। जटा या कॉयर जिसे बोलते हैं, नारियल फाइबर या नारियल की भूसी से निकाला गया प्राकृतिक फाइबर है, और इसका उपयोग किसमें करते हैं? फर्श मैट, डोर मैट, ब्रश, गद्दे जैसे उत्पादों में किया जाता है। कॉयर एक रेशेदार पदार्थ है जो नारियल के कठोर आंतरिक आवरण और बाहरी आवरण के बीच पाया जाता है, और इस भाग को क्या बोलते हैं? मीजोकार्प बोला जाता है। मोहायर कपड़ा क्या होता है? ये फाइबर है, सूत्या कपड़ा होता है जो अंगोरा बकरी के जो बाल होते हैं उनसे बनाया जाता है मोहायर कपड़ा। और डाउन कपड़ा की बात करें तो बतख और ग्रीस के पंख से निर्मित किया जाता है, ये होता है डाउन कपड़ा। तो आज हम लोगों ने क्या जाना? आज हम लोगों ने बहुलक जाने, जो जितने भी प्रकार के पॉलीमर्स हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लगभग 1 से 2 प्रश्न यहाँ से आराम से पूछे जा सकते हैं। पहले तो रेशों के बारे में, फाइबर्स के बारे में, और दूसरा बहुलक के बारे में, उनके यूज, उनके मोनोमर्स वगैरह कई प्रश्न बन सकते हैं। तो पूरा टॉपिक ध्यान से देखिए, 1-2 बार रिपीट करके पढ़िए जिससे आपको याद हो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। वैसे ही टॉपिक के साथ मैं आगे भी पढ़ाती रहूँ, और आप वो क्लास देखना चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पेड कोर्स के लिए मैंने बताया आपको, जो बचा हुआ समय है ढंग से प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, कॉल या मैसेज करके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे ही कंटेंट के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।